दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शुगर की बीमारी से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में और किस प्रकार इसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इस नुस्खे का प्रयोग करने से बड़ी शुगर की बीमारी भी बहुत ही जल्दी ठीक होने लगती है। कितनी भी पुरानी शुगर की बीमारी हो, शुगर चाहे 380 हो या फिर 480, सिर्फ इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से हर प्रकार की शुगर से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं, जिससे जब भी हम उनके लिए वीडियो लाते हैं तो ये सभी जानकारी उनको सही समय पर सबसे पहले मिला करे। अब दोस्तों, भारत में करीब 5,70,00,000 लोगों को डायबिटीज है और आजकल के रहन सहन की वजह से यह संख्या बढ़ती ही जा रही है, बल्कि काफी लोग तो डायबिटीज के कारण मर भी जाते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। किसी की किडनी खराब हो जाती है या फिर किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी को पैरालाइज हो जाता है या फिर ब्रेन स्ट्रोक की भी समस्याएं आ जाती हैं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है और इसके लिए काफी लोग बहुत सी दवाएं करते हैं। भले ही आप शुगर की कितनी भी देसी और इंग्लिश दवा या घरेलू इलाज करवा लें, मगर इसका समाधान तभी होता है जब आपका शरीर खुद से इंसुलिन बनाना और इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे। वैसे 80-90% केसेस में इंसुलिन बनता ही नहीं है और लोगों को इसके इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन आज हम इसी समस्या पर आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में, जिसका इस्तेमाल करने से शरीर खुद ही इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, जिससे आप इस प्राणघातक बीमारी से बच सकते हैं। अब दोस्तों, सदाबहार के पौधे तो आपने हर जगह आसानी से देखे होंगे, ये हर जगह आसानी से दिख जाते हैं। हर घर में एक न एक पौधा इस पेड़ का जरूर होता है। ये एक ऐसा फूल है जो साल के हर मौसम में खिलता है, इसीलिए इसका नाम सदाबहार रखा गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस फूल को शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है? इस फूल को आप कच्चा भी खा सकते हैं। इसे खाने से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिससे शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इस वजह से सदाबहार का फूल खाने से व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज की बीमारी है, उन लोगों के लिए यह फूल किसी औषधि से कम नहीं है। यह फूल शुगर की बीमारी को कंट्रोल में रखती है। इसके लिए इस फूल की 3-4 कोमल पत्तियों को चबाकर इसका रस चूसने से डायबिटीज के रोगियों को बहुत फायदा मिलता है। इसके अलावा आप चाहें तो आधे कप पानी में 3 ताजे सदाबहार के फूल को भिगोकर रख दें। अब इस फूल के पानी को आप रोज सुबह उठकर पिया करें, इससे आपके शरीर में शुगर की मात्रा कम होती है। इसका असर आपको 8-10 दिनों में खुद ही देखने को मिल जाता है। शुगर में इसी प्रकार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गलती से भी कभी ततैया या मधुमक्खी आपको काट ले, तो इस फूल का फायदा आप खुद ही देख सकते हैं। इस फूल का रस निकालकर आप वहां पर लगा सकते हैं जहां पर ततैया या मधुमक्खी ने काटा है। इससे तुरंत ही आपको उसमें फायदा मिलता है, बल्कि मुहासों में या फिर कहीं पर चोट लगने से अगर आप इस फूल की पत्तियों का रस निकालकर वहां पर लगाते हैं, तो चोट और मुहासे भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन डायबिटीज में किस प्रकार आपको यह इस्तेमाल करना है, ये हमने आपको बताया है। तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा खाली पेट सेवन किया करें, जिससे शुगर आपकी कम हो जाए। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, 4-5 फूल ही आपको रोजाना खाली पेट पीने हैं। पानी में रात को भिगोकर रख देना है और सुबह उठकर उसे पी लेना है। इससे शरीर में इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार सदाबहार के पौधे इतने ज्यादा फायदेमंद होते हैं, तो जरूर इनका लाभ उठाएं। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों।